क्लासरूम है, जिसकी अपनी एक आप कह सकते हैं शिक्षा के घर के तौर पर जिसका पूरा प्रचार होता है। दूसरी तरफ माता त्रिपुर देवी का मंदिर भी यहाँ पर है, लेकिन इन सब के बीच देवबंद अपने गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, भाईचारे के लिए जाना जाता है। सबसे पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। जिस देवबंद को दारुल उलूम की वजह से इस्लामिक शिक्षा का केंद्र माना जाता है, वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटीएस में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास करके सबको चौंका दिया। क्या मुख्यमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल सीट देवबंद में और इसी के जरिए एक बड़ा संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में दे रहे थे, जब वो एंटी टेरर स्क्वाड के लिए कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का हब देवबंद को चुनते हैं। ये भी कहा गया कि 60 से 100 कमांडोज यहाँ हमेशा तैनात रहेंगे, 15 से ज्यादा आईपीएस अफसर भी यहाँ पर तैनात रहेंगे। आइए चलते हैं देवबंद में कुछ और जगहों पर लोगों से बात करें। क्या लगता है आपको चुनाव में क्या मुद्दे अहम है, देवबंद के लिए आप लोग क्या चाहते हैं और किसका आपको लगता है इस वक्त बलराम आ रही? कोई भी आता है, ज्यादा विकास नहीं हो पाता और टाइम के टाइम पे सारे काम कराते हैं ताकि वोट लिया जाए। हमारे यहाँ मेंबर साहब भी अभी वोट करा रहे हैं क्योंकि दोबारा इलेक्शन में फिर खड़ा होना है उन्हें, इसलिए दिल जीतने के लिए करा रहे हैं। नहीं बदलनी चाहिए, सही है मेरे साहब। सही है क्यों? क्योंकि आज तक बतेरा बहुत काम करा दिया उन्होंने, जितना भी मतलब उन पे हुआ है, और कोरोना के चलते वक्त उन्होंने मतलब जो उन पे हुआ है मतलब जो सही किया है उन्होंने जो अब तक किया है। यहाँ पर चुनाव में क्या सोच है आपकी, काम होता है नहीं होता है, गरीबों को कोई पूछने वाला है? वो गरीबों को क्या पूछ रहे, पर खा रहे, हमारी तो सुनवाई किसी ने आज लो करी नहीं। जी मैडम, सब काम हो रहा है मैडम। मैडम देखिए, राशन सबको मिल रहा है, और जैसे कि जो गुंडागर्दी थी वो कम हो गई है। पिछली सरकार है ना आजम खा की, भैंस ढूंढने का काम करती थी वे अकेले, उसके आजम खा के पुलिस वाले सब वैन के नोक करते सब टोटल, मतलब ये काम हो रहा था उनकी सरकार में। यहाँ देखे राशन भी फ्री है, वो भी हर चीज काम हो रहा, पुल बना है हमारे, हम योगी जी ने बनवाया है, ये सारा काम योगी जी की सरकार में हो रहा है। तो देवबंद की सड़कों पर हम आए हैं, दारुल उलूम यानी शिक्षा का घर, जिसके लिए देवबंद दारुल उलूम को पहचान मिली है। आपको बता दें सहारनपुर में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, वहीं 2 सीटें समाजवादी कांग्रेस पार्टी की झोली में है और 1 समाजवादी पार्टी के पास है। कुल मिलाकर देवबंद और देवबंद की राजनीति किस दिशा में जा रही है, यही जानने के लिए हम देवबंद की सड़कों पर निकलेंगे, आम लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटीएस देवबंद का भी, और एटीएस देवबंद में वो कह रहे हैं एंटी टेरर स्पॉट कमांडोज की ट्रेनिंग के लिए खोला गया है। दूसरी तरफ वो दारुल उलूम है जहां पर शिक्षा का घर बताया जाता है। तो क्या यहां पर हो रहे विकास से, क्योंकि 7 जो सहारनपुर की सीटें हैं उसमें से देवबंद एक ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी के यहां पर विधायक है, कुछ यहां पर छात्र हैं जो यहां पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग यहां पर रहते हैं, क्या आपको लगता है यहां काम हुआ है? कुछ नहीं काम हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। क्या मुश्किलें हैं यहाँ पे? सब मुश्किलें हैं, महंगाई है और जी बेरोजगारी है, देख कैसे नौजवान घूम रहे। मैडम मेरा तो ये कहना है कि जब से चल रहा है मामला जो चल रहा है वो चलेगा, लेकिन जब से हमें एक ऐसा शेर मिला है जिसको असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, हम तो अब उसके पीछे चलेंगे। और हमने ये सीखा है और हम ये कहते आए हैं कि हम अभी हमें अब किसी रहबर और ना रहनुमा की जरूरत है, हमारी रहनुमाई के लिए सिर्फ कुरान जिंदा है, वतन की सरजमी को नाज है, मेरे लहू की शहादत पर हमारे खून के कतरे में हिंदुस्तान जिंदा है। देवबंद में लगभग 3.5 लाख मतदाता है, जिनमें 1.25 लाख मुस्लिम मतदाता है, बाकी बच्चे 2.25 लाख, जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर दलित वोट बैंक है लगभग 65,000 लोगों का। इसके अलावा त्यागी ठाकुर सभी वोट है। लेकिन इस बार एक बार फिर क्या बीजेपी यहाँ पर अपने विधायक को जीत दिला पाएगी, या फिर ओवैसी की जो अलग अलग जगहों पर आपने बात सुनी है, या फिर अखिलेश के गठबंधन का जिक्र, इन सब पर जीत किसकी होगी, इसी पर चर्चा के लिए आइए लिए चलते हैं आपको राज तिलक के मंच पर।